तो ये देखिए बैंगन की भाजी बिल्कुल देखने में लजीज लग रही है ना दोस्तों। तो बैंगन भाजी की रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने 3 बैंगन लिए हैं इस प्रकार के, और उसे हम 2 भागों में काटेंगे और बिल्कुल ही कम मसाले में इसे बनाएंगे हम आज, और बहुत ही कम समय में ये लगभग 10 से 15 मिनट हमारा ये बैंगन भाजी बनके तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से ये देखिए हमने 2 भागों में इसे काट लिया बैंगन को, तो सारे बैंगन को हम इसी प्रकार से काट लेंगे। अब ध्यान से बैंगन को काटेंगे, आपके हाथों को ना लगने पाए चाकू। आप इस प्रकार की रेसिपी कम समय हो तो आप बना के बहुत ही ज़्यादा इसका स्वाद का आनंद ले सकते हैं। ये देखिए फाइनली हमने सारे बैंगन को इस प्रकार से चॉप कर लिया है, और उसके बाद हम इसे अच्छे से धो लेंगे। आप देख लेंगे बैंगन की कीड़े वाले बैंगन हो तो उसे आप निकाल दें। ये देखिए फ्रेश बैंगन है, सारे बैंगन को हमने धो लिया है, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमने एक कढ़ाई लिया है, उसमें थोड़ी सी तेल डाला है, तेल हमने 2 चम्मच डाला है ताकि अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए एक मीडियम साइज़ की चम्मच से हमने 2 चम्मच तेल डाला है, और इसे बिल्कुल हीट करके हम सारे बैंगन को डाल देंगे बारी बारी से इसी प्रकार से। तो तेल को आप हीट करके इस प्रकार से सारे बैंगन को डाल दें, और थोड़ा सा यहाँ पे चला दें आप। तो बैंगन इस प्रकार से आप काटेंगे छोटे बैंगन को तो बहुत ही जल्दी ये पक के तैयार हो जाता है, तो इसे हम कवर करके पकाएंगे। तो ये देखिए हमने इसे ढक्कन लगा दिया है, कवर हटाने के बाद देखिए फ्रेंड्स हम थोड़ी सी हम चला लेंगे फिर से इसे। अब बारी बारी से इस बैंगन को हल्के हाथों से चलाते हुए पकाएंगे ताकि हमारा सारा बैंगन अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए एक साइड हमारा बैंगन हल्का सा रोस्ट हो गया है, फिर से हम कवर करके इसे पकाएंगे। तो इसे भी फिर से हम चला लेंगे फ्रेंड्स एक बार, इसे पलट लेंगे बैंगन को ताकि चारों तरफ से अच्छे से पक जाए हमारा बैंगन। तो फ्लेम को आप मीडियम ही रखें। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये बैंगन पक के तैयार हुआ है फ्रेंड्स, और वैसे भी बैंगन बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। तो देखिए हमारा बैंगन फाइनली पक गया है, आपको देखने से लग गया होगा, देखिए पक के ये बिल्कुल कलर भी इसका अच्छा आया है। तो अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट हमने तैयार किया था, तो 1 चम्मच हम डालेंगे, एक छोटी चम्मच से हम 1 चम्मच डालेंगे, और उसके बाद हम इसमें डाल के इसे अच्छे से मिला देंगे, क्योंकि मेन सामग्री जो इस बैंगन भाजी का है वो यही है। इसे डालने के बाद बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है इसका, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही कम समय में इतने अच्छे तरीके से ये बैंगन भाजी हमारी बन के तैयार हो जाती है। तो इसे डालने के बाद अब 1 से 2 मिनट लगातार चलाएँगे इसी प्रकार से, और ये देखिए हमारा कलर भी चेंज हो गया है मसाले का। तब तो हम यहाँ पे थोड़ी सी नमक ऐड करेंगे और मसाले भी ऐड करेंगे। मसाले में हमने थोड़ी सी हल्दी पाउडर, बिल्कुल मसाले अब देख के अंदाज़ा लगा सकते कितना कम हमने दिया है, लाल मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर, ये थोड़ी सी मीट मसाला, तो बस यही मसाले हैं इसके। और इसे मसाले डालने के बाद हम अच्छे से भी चला लेंगे, और मसाले को बस 2 से 3 मिनट मात्र से भूनना है ताकि ये मसाला अच्छे से इस बैंगन में एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखिए बैंगन कितना बढ़िया हमारा पका है, क्योंकि चलाने के बाद ये टूट रहा है। तो मसाला डालने के बाद देखिए इसका कलर कितना बढ़िया हो गया है, आपको देखने से अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कितनी चटपटी बन के तैयार हुई है। तो ये देखिए फाइनली हमारा ये बैंगन की भाजी बन के तैयार है फ्रेंड्स। आप इस प्रकार से अपने घर में झटपट बना के इस रेसिपी का आनंद लें। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये रेसिपी आपको, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे।
तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।